मैं जनता मुसलमानों से और ख़ास तौर से यूथ से और दीगर लोगों से भी ये अपील करता हूँ कि इंसानी समाज को अच्छा बनाने के लिए वो तालीम हासिल करें और अपनी माशियात के ऊपर जोर दें। उसकी मिसाल जापान से ले लें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान को उन्होंने फौज रखने से मना कर दिया कि तुम फौज नहीं रख सकते हो, जापान के पास फौज नहीं है अब भी। अच्छा, और ये नहीं कर सकते। उन्होंने बेचारे उन्होंने सब शर्तें मान ली इनकी, करते भी क्या सब, वो तो हार गए थे। उन्होंने अपने को साइंटिफिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगा दिया। किसी ने पूछा उनसे कि साहब आपकी शिकस्त हो गई, आप तो कुछ नहीं। उसने कहा हमारी शिकस्त तब मानी जाएगी जब जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है उसके यहाँ पैनासोनिक टेलीफोन न रखा हो, पैनासोनिक कंपनी का वो न हो, तो हम हार गए। आज हमारी ही चीजें हैं जो सारी दुनिया पर छाई हुई है। हमारी फर्स्ट क्लास इकोनॉमी है, फर्स्ट क्लास पोजिशन है, हमारे पास साइंटिफिकली एडवांस लोग हैं, हमारा कोई मुकाबला करके दिखाए। 45-46 में जापान की यह हालत थी, वो आज 2000 यानी जापान से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ताल्लुकात नहीं बनाए थे कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, रशिया से बनाए थे। अच्छा, रशिया आज कहाँ है? इतना बड़ा मुल्क हो के टूट के टुकड़े टुकड़े हो गया, जापान छोटा सा हो के भी कामयाब है। इसका मतलब है कि की नोट ये है कि आप बजाय इसके कि ये सख्ती और ये सब शुरू करिए, आपको ये चाहिए कि आप अपने को इल्मी सतह पर, नॉलेज की सतह पर आगे बढ़ाएं, सोचे समझे बगैर कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, और फिर इकोनॉमिकली इंशाल्लाह आप उससे बेहतर होते चले जाएंगे।